नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा मिथुन राशि फलादेश 15-12 से लेकर 15-1-2020 के बीच में 31 डेज का पीरियड है, 31 दिन का पीरियड। महीना कैसा रहेगा? मिथुन राशि जेमिनी की बात करते हैं। बुध के घर की राशि, बुद्धिशाली, बहुत ही वाकपटु, बोलने में होशियार, शार्प माइंड, कंसल्टिंग का काम, ब्रोकरेज का, कमीशन एजेंट, बड़े बड़े सीए जो है वो मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं, मिथुन राशि में पैदा हुए हैं। जो भी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनका मिथुन लग्न या मिथुन राशि से लेन देन ज़्यादा रहता है। तो मिथुन राशि, बुध के घर की राशि, अभी काफ़ी 6-8 महीने से विवेरिक माइंड चल रही है, डिस्टर्ब है, नेगेटिव माइंड हो गया है। जो काम होने चाहिए वो काम हो नहीं रहे हैं, उल्टे काम हो रहे हैं, उल्टी सोच हो गई है। काम अच्छा करने जाते हो लेकिन उल्टा हो जाता है अपने आप ही। और पार्टनर की समस्या तो ऑलरेडी गिरी हुई है, कोई अदर पार्टनर आपकी लाइफ में आया हुआ है, उससे रहकर आप काफ़ी चिंतित हो, काफ़ी आपको उनके बारे में विचार आते हैं, बहुत ही सोच बढ़ा ली आपने वो पात्र को लेकर। लेकिन क्या होगा आगे आपका ये महीने के अंदर? तो ये महीने में भी सब्जेक्ट रहेगा पात्र से लगता हुआ ही। जो बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, या वाइफ है आपकी, या आप रिलेशन में किसी से जुड़े हुए हैं, उनकी मैटर अभी रहने वाली है पूरे महीने भर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय हो जाएगा कि ये पात्र आपकी लाइफ में ज़्यादा तक रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। कोई व्यक्ति पर्सन आपसे अभी जुड़ भी सकता है, अगर अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है तो अभी पार्टनर नया आपको मिल सकता है, या लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या कोई भी अदर लव अफेयर से भी आपके जीवन में कोई नया पात्र आ सकता है, या कोई शादी से अभी आपसे जुड़ सकता है, या एंगेजमेंट वगैरह भी हो सकती है। तो देख के काम कीजिए, कुंडली मिलाप कीजिए पहले, व्यक्ति पर्सन कैसा है उसकी जांच कीजिए। आपको कहीं अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है, वो भी आपको तय करना है, क्योंकि अभी ग्रह गोचर ऐसे है कि आपको दिखाया कुछ जाएगा और निकलेगा कुछ और। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप पूरा चेक करके कीजिए काम, क्योंकि अभी ऐसे ग्रह गोचर चल रहे हैं कि वो आपको थोड़ा मिसगाइड कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति पर्सन। इसलिए आपकी ड्यूटी है अभी आपका माइंड थोड़ा शार्प रखिए, थोड़ा खुला रखिए, और ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये महीना ऐसा ही रहने वाला है, सब पात्र रिलेटेड काम रहने वाले हैं। आपकी शादी भी अभी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या पार्टनर से डिवोर्स वगैरह के जो बात चल रही है, तो ये वक्त भी आ गया है कि अभी डिवोर्स भी हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में योग जन्म से बैठा हुआ है तो। शुक्र बहुत ही बढ़िया चल रहा है अष्टम स्थान में, पैसे पानी खूब आएंगे इस टाइम पे, पैसे भी आने के चांसेस यहाँ पूरे दिख रहे हैं। मंगल वृश्चिक राशि का होके आया हुआ है 6th हाउस में, वो भी बुध के साथ, इसलिए मंगल का भी काफ़ी तेज होना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप अगर जुड़े हुए हैं, या कोई भी ज़मीन मकान से आप रिलेटेड रियल एस्टेट का काम करते हो, तो आपके लिए तेज़ी का काम है, आपके लिए ये काम अभी बढ़िया हो जाएगा। ये महीना आपके लिए पैसे पाने के लिए ये महीना खूब अच्छा जाएगा, कहीं ना कहीं से बड़े पैसे भी अभी आपके हाथ में आ सकते हैं। लेकिन मैटर रहेगी पात्र की, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या अदर रिलेशन में है उससे लिए ही सब मैटर रहेगी महीने भर। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।